तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर टू को कंप्लीटली कवर किया था अब आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा यूनिट नंबर थ्री के ऊपर देखो मैं पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं हम देख रहे थे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है सिंपेटिक और पैरासिपेटिक में जो लास्ट लेक्चर था आपका लास्ट यूनिट थ्री यूनिट नंबर सेकंड

जो पैरासिंपेटिक के न्यूरॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक और ये कॉलिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं कोल इनर्जिक न्यूरो रिलीज करते हैं आई रिपीट इस यूनिट में हमें पढ़ना है पेरासिंपेटिक के बारे में पेरासिंपेटिक के जो न्यूरॉन होते हैं वो हो होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरोन और कोलिनर्जिक न्यूरोन जो है कॉलिनर्जिक न्यूरो रिलीज करते हैं अब कोलिनर्जिक न्यूरो के एग्जाम्पल क्या हो गया तो इसका एग्जाम्पल हो गया एसिटाइल कोलिन जिसको हम शॉर्ट में एस लिखते हैं

यहां पर आप देखो इसके न्यूरो आपने देखे थे डोपेमीन एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जिनको हम सबको मिला केटिकोलमिन उनके रिसेप्टर थे अल्फावीटा ठीक है तो अब हमें क्या देखना है अब हमें पेरासिम्पेथेटिक का देखना है पेरासिम्पेटिक के होते कोलिनर्जिक न्यूरोन रिलीज होता है उनसे कोलिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन बनता कैसे है एसिटाइल कोलिन टूटता कैसे है और एसिटाइल कोलिन कौन से रिसेप्टर से एड होता है आज के इस लेक्चर में देखना है क्या क्या देखना है बायोसिंथेसिस बनता कैसे कैटाबोलि टूटता कैसे और कौन कौन से रिसेप्टर पे ऐड होता है तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट जहाँ पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मैंशन किए हुए हैं और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी होती है तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा तो एक बार और मैं आपको यहां पे बता देता हूँ सिस्टम, सिस्टम होता है वो सिंपथेटिक पैरा में डिवाइड होता है अब सिंपेटिक हमने यूनिट नंबर टू में अच्छे से देख लिया अब यूनिट नंबर थ्री स्टार्ट कर रहे पेरासिम्पेटिक वाली तो जो पेरा के न्यूरोन होते हैं वो होते हैं कोलिनर्जिक Neuron और न्यूरॉन से जो ट्रांसमीटर रिलीज होता है उसे हम कहते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एसिटाइल कोलिन जिसको हम शोर्ट में एस लिखते हैं अगर ये पेरासिम्पेटिक से रिलीज हो रहा है पैरासिंपेटिक में ये सब हो रहा है तो जो एक्शन आएगा वो भी कैसा आएगा पेरासिंपेटिक वाला और पेरासिंपेटिक एक्शन क्या होता है आराम का मामला होता है जैसे मान लीजिए तो हम क्या करेंगे दे देंगे। ये रिलीज होते हैं और रिसेप्टार से जुड़ते हैं कौन सा न्यूरो जैसे एसिटाइल कोलिन तो ये एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होते हैं तो ये रिसेप्टार से जुड़ते हैं और रिसेप्टार से जुड़कर एक्टिवेशन करके रिसेप्टार का हार्ट रेट को

रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं तो देखो एसिटाइल कोलिन दो वर्ड से मिलकर बनाए एसिटाइल और कोलिन अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोलिन बना कैसे तो ये बात ध्यान रखना कि कोलिन जो है लीवर में बनता है कहां पर बनता है लीवर में अब कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं देखो यहां पर देखिए जो सेन होता है सेरिन के साथ जब एथेनॉल अमीन हम मिलाते हैं तो कोलिन बनता है और ये रिएक्शन कहा चलती है लीवर में चलती है तो सेन प्लस एथनॉल अमीन हमें क्या मिला के देते हैं हमें बनाकर देते हैं कोलिन और ये बनता है लीवर में अब लीवर में बना है पर इसको जाना है न्यूरोन में तो डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो तरह तरह के सिस्टम होते हैं जैसे कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके थ्रू ये जो कोलिन लीवर में बना है यह नर्व एंडिंग में चला जाएगा ठीक है तो कोलिन बनता है लीवर में और कोलिन लीवर में बनने के बाद नर्व एंडिंग में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब यहां पर आप देखिए नर्व एंडिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कोलिन आ चुका है कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोलिन लीवर में बनाता है और नर्व एंडिंग में आ चुका है न्यूरोन के एंडिंग में आ चुका है वहां पर पहले से ही एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये एसिटाइल और ये कोलिन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेस तो ध्यान रखना एसिटाइल प्लस कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेस इट इज कन्वर्टेड इन एसिटाइल कोलिन तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है देखो ध्यान से एक बार और सुन लो लीवर में कोलिन बन रहा है किसकी मदद से इथेनोलमिन के मिलने पर कोलिन बन रहा है यह कोलिन नर्व एंडिंग में गया वहां पर पहले से ही एसिटाइल है एसिटाइल और कोलिन दोनों मिल गए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेस तो बना देंगे एसिटाइल कोलिन ठीक है अब एक बात और सुनो ये एसिटाइल ग्रुप आया कहा से नर्व एंडिंग में एसिटाइल को एंजाइम जो है वहां पर प्रेजेंट होता है और एसिटाइल को एंजाइम में फॉर्मेशन भी होते कई जगह कई रिएक्शन में तो नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होता है तो कोलिन आता है लीवर में से और इसके साथ जुड़कर नर्व एंडिंग में वो एसिटाइल कोलिन बना लेता है और हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन क्या है एक, एक वेसिकल में हमें पता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर वेसाइकल में स्टोर्ड होते हैं ठीक है न्यूरोन के एंड में मान लो ये वेसाइकल है यहाँ पर स्टोर्ड है अब जैसे डेंड्राइट पे सिग्नल आता है सिग्नल एकजोन के थ्रू आगे बढ़ता है मैंने आपको जब ऑटोनोमिक ऑटोनोमिकर्व सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि रिलीज कैसे होता है 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 तो हमें पता है कि पर ये कौन सा एसिटाइल अब इसे रिलीज करवाना है तो रिलीज करने के लिए आप क्या बोलोगे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां पर सिग्नल आए और सिग्नल आने के बाद क्या हुआ वो सिग्नल एक्सोन में ट्रांसफर हुए और फाइनली वो नर्व एंडिंग में आए सिग्नल कहां पर आ गए नर्व एंडिंग में ठीक है सबसे पहले सिग्नल आया डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर होते हैं उसने सेंस किया एक जोन से सिग्नल आगे बढ़ा नर्व एंडिंग तक आ गया अब सिग्नल जैसे ही नर्व के एंडिंग में आया तो यहां पर कैल्शियम चैनल ओपन हो गए कौन सा चैनल कैल्शियम चैनल ओपन हो गए कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या हुआ देखो मैं बताता हूं आपको जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुए वहां पर एक्टिवेशन हुआ प्रोटीन का देखो यहाँ पर स्टिमुलेशन आ गया नर्व एंडिंग में कैल्शियम चैनल ओपन हो गए कैल्शियम चैनल ओपन होने से कैल्शियम अंदर आ गया और जैसे ही कैल्शियम अंदर आया नर्व एंडिंग में वहां पर एक्टिवेशन हुआ प्रोटीन एंजाइम का और जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होता है जो वेसाइकल अभी तक स्टोर्ड थी जो वेसाइकल न्यूरो रखती थी उस वेसाइकल को ये ब्रेक कर देगा एक्टिवेशन होने के बाद तो ये वेसाइकिल को क्या करेगा ब्रेक करेगा और जैसे ही ये वेसाइकिल ब्रेक होगी सपोज ये वेसाइकिल यहां से ब्रेक हो गई तो जैसे ही वेसाइकिल ब्रेक होगी सारे न्यूरो जो है रिलीज हो जाएंगे रिलीज ACh ACh मतलब एसिटाइलकोलाइन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस में और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद ये रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं ठीक है थीके? यहां तक क्लियर हो गया हमने देखा एसिटाइलकोलाइन बना कैसे सबसे पहला तो अभी हमने देखा लिन तो बना लीवर में एसिटाइल बना एसिटाइल को नर्व एंडिंग में होता है उसके बाद हमने देखा, देखा, देखा एसिटाइल कोलिन रिलीज कैसे होता है तो सिग्नल आता है कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है वेसाइकल ब्रेक होते हैं न्यूरो रिलीज होते हैं क्लेफ्ट में बाद में वो रिसेप्टर से जाके जुड़ जाते हैं ठीक है रिसेप्टर हमारे दो तरीके होते हैं देखो यहां पर जो आपको कोलिनर्जिक न्यूरो है जैसे एसिटाइल कोलिन तो वहां पर आपको जो रिसेप्टर मिलेंगे वो मिलेंगे एन और एम एन का मतलब निकोटिनिक एम का मतलब मस्करेनिक एन का मतलब निकोटिनिक और एम का मतलब मस्करेनिक दो तरह के रिसेप्टर मिलेंगे आपको कॉल के अब जो मस्करेनिक रिसेप्टर है उसे आप एम से लिख सकते हो और निकोटिनिक रिसेप्टर को आप एन से लिख सकते हो तो जो ये रिसेप्टार है ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर और एम फाइव में ठीक है चलिए तो अभी तक हमने देखा कि एसिटाइल बनता कैसे और रिलीज कैसे होता है ठीक एक रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं देखो ये रिएक्शन भी आपको बनानी है बनाते टाइम ये थ्योरी तो आप बता ही दोगे कि एसिटाइल बनता कैसे है सेलिन बनाता है लीवर में लीवर से कोलिन जो है न्यूरॉन की एंडिंग में जाता है कोलिन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू कोलिन पहुंच गया नर्व एंडिंग में वहां पर पहले से एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है तो एसिटाइल और कोलिन दोनों मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसपेरेंट और बना लेते हैं एसिटाइल कोलिन ये सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई तो अभी रिएक्शन भी देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है देखो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है सेरिन याद कैसे रखोगे ये कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है तो यहां पर कार्बन 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 इस तरह से बना सकते हो आप उसके बाद यहां पर ओ एच और यहां पर भी ओ एच देखो तीन कार्बन बनाओ ऊपर भी अल्कोहल नीचे भी अल्कोहल ठीक है ये तो आपको याद रह जाएगा ऊपर भी अल्कोहल और नीचे भी अल्कोहल और पीछे क्या है अमाइन ग्रुप बात खत्म ये बन गया सैरिन यहाँ लगाओ डबल बॉन्डो तो ऊपर भी अल्कोहल नीचे भी अल्कोहल पीछे है अमाइनो ग्रुप ठीक है और डबल बोन्डो बस ये आपकी की स्ट्रक्चर हो गई क्लियर हो गई सेन की स्ट्रक्चर अब सेन की स्ट्रक्चर होने के बाद यहां पर आपको डालना है सेरिन डी कार्बोक्सिलेस्ट तो जैसे ही डलेगा आगे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा टू अमाइनो एथेनॉल तो देखो टू अमाइनो और एथ है, मतलब दो कार्बन है तो मेथ और एथ। टू अमीनो और एथ अमीनो एल्कोहल है तो ओल तो टू अमाइनो एथेनॉल इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको ये नहीं लिखना तो एक ही बात है ठीक है सेरिन आ गया सेन से टू अमाइनो एथेनॉल बनाना आ गया अब इस टू अमाइनो एथेनॉल में आपको डालना है एन मिथाइल ट्रांसफरेस या फिर आप डाल सकते हैं यहां पर एस एडिनोसिल मिथ्योनिन मैंने क्या बोला सबसे सब पहले आपके आपके पास सैरिन है सेरिन में आपने डाला सैरिन डी कार्बोक्सिलेस तो आपका बना टू अमाइनो एथेनोल अब उसमें आपको डालना है एस एडिनोसिल मिथ्योनिन और जैसे ही आप एस एडिनोसिल मिथियोनिन डालोगे तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर बनेगी कोलिन की अब कोलिन की स्ट्रक्चर कैसे याद रखनी है आप ये बोलोगे जो नाइट्रोजन है वो बड़ा खराब है Dating dating. Nitrogen, nitrogen है। है, तीन तीन डेटिंग कर रहा है एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन के साथ भी डेट कर रहा है तीन तीन डेटिंग कर रहा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फिर भी पॉजिटिव चार्ज वाला है है भैया तीन को डेट कर रहा फिर भी पॉजिटिव चार्ज है ऐसा क्यों तो जब मुझे इसका पता लगा पहले मैं इसके पास गया फिर मुझे पता लगा पहले तो मैं ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर मुझे पता लगा, मुझे पता लगा कि एल्कोहल की वजह से तो इस तरह से आप याद रख सकते हो देखो कैसी भी ट्रिक बनाओ बस याद रखो ट्रिक बड़ी आसान होनी चाहिए मजेदार होनी चाहिए देखो नाइट्रोजन का तीन अफेयर चल रहा था कार्बन 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 फिर भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था मैंने कहा दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है तो जब मैं ऐसे 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 गया मतलब कार्बन कार्बन मैंने यहां पर लगाए यह है कार्बन ये है कार्बन ठीक है तो मुझे पता लगा कि दया यहां पे तो एल्कोहल है इसकी वजह से यह तीन तीन को डेट करके भी पॉजिटिव चार्ज रख रहा है मतलब दम है बंदे में ठीक है तो ये हो गया आपका कोलिन की स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं अब कोलिन की स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलाना है एसिटाइल कोए तभी तो एसिटाइल कोलिन बनेगा हमें नहीं तो बनाना है तो कोलिन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे कर ए की एसिटाइल को ए की रिएक्शन कराएंगे और एंजाइम यहां पे कौन सा रहेगा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेस और वी कैन से एसिटाइल ट्रांसफरेस या तो पूरा बोल लो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेस या फिर सिर्फ बोल लो एसिटाइल ट्रांसफरेस ठीक है तो देखो ये जो एसिटाइल को ए है ये एसिटाइल को ए का अगर मैं फॉर्मूला देखू तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एस सी ओ ए ये होता है आपका एसिटाइल को ए ठीक है अब आपको यहां पे क्या करना है आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन दिस वन ये हाइड्रोजन जो कोलिन की स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है और ये एस सी ओ ए जो आपको दिख रहा है ये दोनों हटा दो और ये जब दोनों हटा दोगे तो बचा क्या नाइट्रोजन कार्बन 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 तो ये देखो नाइट्रोजन कार्बन 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 दिख रहे तीन कार्बन उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो एज इट इज है अभी यहाँ पर ओ एस था तो हाइड्रोजन तो हमने हटा दिया सिर्फ ऑक्सीजन रह गया तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ ऑक्सीजन रह गया ठीक है अब ऑक्सीजन रहने के बाद क्या है आपको ये सी डबल सी एस थ्री एड करना है तो ये सी डबल बॉन्डो सी एस थ्री एड कर दिया तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है बस एस सी ओ ए और ऊपर का हाइड्रोजन हटा दो कोलिन का तो आपका बन जाएगा एसिटाइल कोलिन तो अभी हमने देखा कि एसिटाइल कोलिन बनता कैसे है पहले थियोरेटिकल देखा फिर आपने रिएक्शन से देखा फिर आपने देखा कि ये रिलीज कैसे होता है ठीक है अब स्टोर का भी आपको पता है कि के अंदर स्टोर होता है तो ध्यान रखना न्यूरो स्टोर होते हैं क्योंकि ये सेफ रहते हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि अगर न्यूरो ट्रांसमीटर वेसाइकल के अंदर नहीं होंगे सपोज न्यूरो ट्रांसमीटर इस तरह से बाहर है ओपन है तो न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या हो सकता है हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ठीक है या न्यूरो खराब भी हो सकते हैं तो हमेशा के अंदर रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है सेफ रहते हैं और उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता ठीक है चलो तो हमने देखा स्टोरेज हमने देखा रिलीज कैसे हो रहे, हमने देखा सिंथेसिस कैसे हो है अब मान लीजिए एसिटाइल कोलिन बन गया पर एसिटाइल कोलिन बहुत ही ज्यादा बन गया ठीक है अब एसिटाइल कोलिन कैसे एक्शन देगा पेरासिंपेटिक वाले क्योंकि पेरासिंपेटिक का ही काम करेगा ये न्यूरो ट्रांसमीटर ठीक है तो पैरासिंपेटिक के एक्शन क्या थे ब्लड प्रेशर कम करना हार्ट रेट कम करना प्यपील को कॉन्ट्रेक्ट करना ये सारे काम थे हमारे के ठीक है अब मान पैरासिंपेटिको एसेटेकोलिन रिलीज होता गया रिसेप्टर से जुड़ता गया पैरासिपेटिक एक्शन आते रहे आते रहे आते रहे और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया हार्ट रेट बहुत ही कम हो गई तो ये भी दिक्कत हो जाएगी तो अभी हमें क्या करना है जैसे एसिटाइल कोलिन का काम हुआ या तो एसिटाइल कोलिन रीअपटेक हो जाए वापस न्यूरॉन में चला जाए ठीक है काम होने के बाद रीअपटेक हो जाए और अगर रीअपटेक नहीं हो पा रहा तो फिर हमें इसे तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने को हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म हम तोड़ क्यों रहे क्योंकि हमारी बॉडी में जितना इसका काम था उतना हो गया और अभी भी ये बच्चा हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसका कैटाबोलिज्म करना पड़ेगा इसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तो एसिटाइल कोलिन जो है हाइड्रोलाइसिस हो जाता है उसका और वी कैन से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनजाइम कोलिन एस्ट्रेस तो एसिटाइल कोलिन कन्वर्टेड इंटू कोल इन प्लस एसिडिक एसिड ठीक है तो ध्यान रखना एसिटाइल कोलिन कन्वर्टेड इंटू कोलिन प्लस एसिडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एस्ट्रेस और वी कैन से एसिटाइल कोलिन गेट हाइड्रोलाइसिस एंड कन्वर्टेड इंटू कोल इनिन प्लस एसिडिक एसिड चलो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया, हो गया का। अभी ये कैसे हो रहा है कैल्शियम जैसे अंदर आएगा ये वेसाइकल फ्यूज होगी और न्यूरो रिलीज होगा पर साइनेप्टिक लेफ्ट में अब ये आगे जाके बाइंड हो जाएगा ठीक है अब ये या तो रियपटेक हो जाए रियपटेक मतलब वापस चला जाए और नहीं होगा तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा हमें

हुआ। तो हुआ? एक्टिवेशन हुआ ठीक तो है, है तो एसिटाइल जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो रिसेप्टर से रिसेप्टर का रिसेप्टर होते हैं पैरासिंपेटिक के जो रिसेप्टर होते हैं है मस्करेनिकोटेनिक जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला एन और एम होते हैं ठीक है जो एम होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव और जो निकोटिनिक होते हैं वो होता है एन वन एन टू ठीक है निकोटेनिक में होता है एन वन एन टू मत बोलो इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा निकोटिनिक का एक सेकेंड मैं आपको बताई देता हूँ देखो मैं आपको बताई देता हूँ एक सेकेंड निकोटेनिक में आप बोलोगे एन एम और एन एन ठीक है एन एम और एन एन अभी देखो एक बात कॉमन है कॉमन क्या बात है वो सुनो सबसे सब पहली बात जो मस्कडेनिक रिसेप्टर होता है ना ध्यान से सुनना आप आपको पता है एम वन एम टू थ्री फोर फाइव अभी जो मस्कडनिक रिसेप्टर होता है ये जी पी है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है ठीक है एन एन और एन एम ये जो रिसेप्टर होते हैं ये आइनोट्रॉपिक होते हैं क्लियर हो गया एक तो हो गया जीपीसीआर एक हो गया आइनोटॉपिक ठीक अब हमें देखना है कि जब न्यूरो रिलीज हो रहे हैं तो अगर वो एम वन से जुड़े तो क्या एक्शन आएगा एम टू से जुड़े तो क्या एक्शन आएगा एम थ्री से जुड़े तो क्या एक्शन आएगा एम फोर से जुड़े एम फाइव से जुड़े तो क्या क्या एक्शन आएगा वो हमें देखना है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको कॉमन थ्योरी लिखनी है कि मस्कुरिक रिसेप्टर होते हैं रिसेप्टर पे जैसे ही जुड़ता है तो रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और रिसेप्टर एक्टिवेट होता है अगर मस्कुरिक रिसेप्टर की बात चल रही तो जीपीसीआर की बात करेंगे मतलब जीपीसीआर जो है यहाँ पर एक्टिवेट होता है ऐसा आपको बताना है निकोटिनिक में भी आपको सेम बताना है कि निकोटिनिक पे जब आपका एसिटाइल कोलिन आके अटैच होगा तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा जिसकी वजह से रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा देखो यहां पर बता रखा है कंफर्मेशनल चेंज का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। चलिए अब देखते हैं तो देखो आपको यहां पर रिसेप्टर दे रखे हैं जैसे एम वन एम वन होता है सीएनएस और गैस्ट्रिक ग्लैंड में हिस्टामिन को रिलीज कराता है एसिड सिक्रेशन करवाता है और अगर एम वन रिसेप्टार में है तो ये आपकी मेमोरी को लर्निंग को फंक्शन को अफेक्ट करेगा बात करें एम टू रिसेप्टार की एम टू रिसेप्टार आपके दिल में होता है और मैंने आपको बोल दिया कि ये मस्किन रिसेप्टर है किसके एसिटाइल कोलिन के एसिटाइल कोलिन क्या है एक न्यूरो जो कि पैरासिंपेटिक वाला काम करवाता है तो यहां पर पैरासिंपेटिक काम मतलब आराम का मामला है बॉडी बैक टू नॉर्मल कंडीशन ठीक है तो हार्ट रेट कम हो जाएगी कैसे कम होगी कंडक्शन सिस्टम ही हम कम कर देंगे वो ऐसे नोड एवी नोड वाला सिस्टम होता है ना वो हम कम कर देंगे के रिसेप्टर होते हैं ब्लड वेसल में स्मूथ मसल में लंग्स में और के रिसेप्टर क्या कराएंगे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखो हमने जब सिंपेटिक पढ़ा था तो वहां पर ब्रोंको डायलेशन होता था और एम थ्री के रिसेप्टर है ये ये पेरा सिंपेटिक वाले हैं तो ब्रोंको का क्या होगा कॉन्स्ट्रिक्शन और क्या फंक्शन है एम थ्री का ये नाइट्रो ऑक्साइड रिलीज करवा के वेलेशन भी करवा देते हैं वेसल्स को डायलेट करवा देते हैं इस तरह से एम फोर प्रेजेंट होता है सीएनएस हार्ट में एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनिविट करवाता है एम फोर रिसेप्टर से अगर एसिटाइल कोलिन आके अटैच हो गया तो और भी कुछ काम होता है पर एम फोर रिसेप्टर क्या करता है, इस कोलीन के को ही बंद कर देता है एक्टिवेट होने के बाद तो अगर एसिटाइल कोलिन एम फोर रिसेप्टर से आके जुड़ा एम फोर रिसेप्टर जब एक्टिवेट हुआ

ठीक है प्लेजर फील होता है गुड फील होता है सेटिस्फेक्शन मिलता है मोटिवेशन थॉट्स आते हैं नेक्स्ट है आपका निकोटेनिक रिसेप्टारिकोटेनिक रिसेप्टर में एन एम और एन एन अगर निककोटेनिक रिसेप्टर की बात करू एनएम की मैं बात करूं तो जो एन एम रिसेप्टार है उसका नाम है मसल टाइप निकोटेनिक रिसेप्टर और जो एन एन रिसेप्टार है उसका नाम है न्यूरोनल टाइप निकोटेनिक रिसेप्टर ठीक है तो एन एम का हो गया मसल टाइप निकोटेनिक रिसेप्टर और एनएन का हो गया न्यूरोनल टाइप निकोटेनिक रिसेप्टर जो एन एम है वो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है और स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है आई रिपीट जो एन एम है वो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है और स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ठीक है जो सोडियम आयन है पोटेशियम आयन है इनकी परम्यूबिलिटी वो बढ़ा देता है अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो यहां पर होता है फिनाइल ट्राईमिथाइल और अगर मैं बात करूं एन एन की ये जो रिसेप्टर होता है जब इससे एसिटाइल कोलिन आके जुड़ेगा तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा कैसे होगा सबसे सब पहले हम देखेंगे कि ये एन एन वाला रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो ये प्रेजेंट होता है एड्रिनल मेडुला स्पाइनल कोड और ब्रेन में ध्यान रखना एन एन कहां पर होता है एड्रीनल मेडुला स्पाइनल कोड और ब्रेन में क्या काम करवाता है डीपोलराइजेशन करवाता है साथ ही साथ का सिक्रेशन करवाता है के क्या होते है? अमीन हैं तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा जैसा कि मैंने आपको बताया लेक्चर में मैं एक बार आपको बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा लेक्चर में देखो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कोलिनर्जिक न्यूरोनर्जिक न्यूरो निकलते हैं के लिए होते हैं जैसे कि एसिडाइल कोलिन और एसिडाइल कोलिन का बायोसिंथेसिस और साथी साथ साथ ही केटाबोलि का स्टोरेज फिर कोलर्जिक रिसेप्टर जैसे मस्करेनिक निकोटेनिक होता है ठीक है थेके? अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा पेरासिम्पेथोमेटिक एजेंट तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स आपको बायोलॉजी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे वहां पर तीन एमसीक्यू डेली अपलोड भी होते हैं और बायोलॉजी एप्लीकेशन पे मैं हर संडे लाइव भी आता हूँ इलेवन ए साथ ही साथ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे आपको एक थ्रेड सेक्शन में मिलेगा जहां पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं ए टू जेड जो भी आपकी क्वेरी है तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी बातें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इंस्टाग्राम फॉलो करो मीम से रिलेटेड और टेलीग्राम फॉलो करो अपडेट से रिलेटेड सब्सक्राइब इन शेयर फॉर मोर हैव है नाइस डे थैंक यू